कर्णी सेना प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में आज हनुमान मूर्ति पर पठान फिल्म का पुतला फूंका गया। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज सैकड़ों कर्णी सैनिक हनुमान मूर्ति तिराहे पर पहुंचे और पठान फिल्म को बैन करो, भगवा के रंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शाहरुख खान मुर्दाबाद, दीपिका पादुकोण मुर्दाबाद आदि नारे लगाए गए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने कहा कि फिल्म में पूरी तरह से अश्लीलता परोसी गई है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है, जिसका समाज में विषैला संदेश जाएगा और फिल्म के गीत बेशर्म रंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई। जिस तरह से दीपिका पादुकोण को इस गीत में भगवा रंग पहने दिखाया गया है, वह सरासर सनातन संस्कृति का अपमान है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये भगवान राम का रंग है, ये भगवान परशुराम का रंग है, ये भगवान श्री कृष्ण का रंग है, ये बजरंगबली हनुमान जी का रंग है, ये स्वामी विवेकानंद का रंग है, ये महर्षि दयानंद का रंग है, ये प्रकृति का रंग है, ये सुबह और शाम के आसमान का रंग है, ये भारतीय संविधान का रंग है, ये महारानी पद्मावती के जौहर का रंग है, ये तिरंगे में सबसे ऊपर वाला रंग है, ये बेशरम कैसे हो सकता है। कर्णी सेना ने ये मांग की कि फिल्म पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह कठेरिया, महानगर अध्यक्ष ठाकुर तनवीर सिंह, जिला अध्यक्ष युवा शक्ति अभिरीत प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष युवा शक्ति अभिषेक सिंह कठेरिया, महानगर प्रभारी कुलदीप सिंह गिल, महानगर अध्यक्ष युवा शक्ति सचिन सैनी, जिला उपाध्यक्ष अमित ठाकुर, जिला महामंत्री विजय चौहान, जिला प्रभारी बरेली विनीत ठाकुर, मयंक ठाकुर, विकी ठाकुर, सचिन शर्मा, ऋषभ तोमर, वृषभ तोमर, रोहित ठाकुर, नीरज कुमार, अर्जुन पंडित, मिलन राजपूत, तनवीर ठाकुर, अभिषेक चौहान, ठाकुर उमंग चौहान, हरिओम सिंह, विनीत ठाकुर, सोनू श्रीवास्तव, सचिन रस्तोगी, कुलदीप ठाकुर, अमित ठाकुर, धीरज कुमार, कुलदीप सैनी, राजीव ठाकुर, सुरेश राघव, अंकुर सिंह, अंकित प्रजापति, योगेश राघव, ठाकुर विकास सिंह, अंश शर्मा आदि मौजूद रहे। ये भगवान कृष्ण का रंग है, ये महर्षि दयानंद का रंग है, ये स्वामी विवेकानंद का रंग है, ये भारत के साधु संतों का रंग है, ये धरती और आसमान का रंग है, ये प्रकृति का रंग है, भारत के संविधान का रंग है और ये रंग महारानी पद्मावती के जौहर का रंग है। तो ये रंग बेशरम नहीं हो सकता। बेशरम है शाहरुख खान, बेशरम है दीपिका पादुकोण, बेशरम है पूरा बॉलीवुड। हम बॉलीवुड का घोर विरोध कर रहे हैं, पूरी कर्णी सेना पूरे भारत में विरोध कर रही है। बॉलीवुड का जो है पूरे देश में बहिष्कार होना चाहिए। इन्होंने सनातन संस्कृति की लंका लगा के रखी हुई है। अब हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम दूसरे तरीके से, अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे तो हम दूसरे तरीके से भी इनका इलाज करेंगे, करनी चाहिए इनका इलाज करेंगे। तो क्या मानते हैं फिल्मी एक्टर जो है नए सने आपने वो पोस्टर देखा जो हमने चलाया, उसमें दीपिका पादुकोण ने जो लंगोट पहन रखा है, देखिए आप कितनी बेहयाई और कितनी बेशर्मी के साथ उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, शर्म को भी शर्म आ जाए। हम परिवार के साथ बैठ कर वो पोस्टर नहीं देख सकते, उस फिल्म को कैसे देख सकते हैं। लगातार ये देखिए बेहयाई परोसी जा रही है, ये जिस्म परोसी कर रहे हैं और जिस आपत्तिजनक स्थिति में शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को दिखाया गया है, मैं भारत सरकार से कहता हूं कि इनकी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सेंसर बोर्ड किस लिए सुनिश्चित किया गया है? सेंसर बोर्ड का काम क्या है? सेंसर बोर्ड का काम यह है कि ऐसे दृश्यों पर कैची चलानी चाहिए और ऐसी फिल्में भविष्य में नहीं बननी चाहिए। जो है खुजली है तो वो पाकिस्तान में जाकर फिल्म बना सकता है, कर्णी सेना उसके जाने का खर्चा कर देगी, लेकिन भारत में हम भगवा रंग का अपमान नहीं सहेंगे, किसी भी हालत में नहीं सहेंगे। जो पिक्चरें लग रहे हैं इसका विरोध किस तरह से आप विरोध आप आज हमने देखे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ उसका फिल्म का पोस्टर जलाया है। अगर वो फिल्म चलेगी तो हम सिनेमा हॉल में ताला मार देंगे, सिनेमा हॉल में ताला मार देगी करणी सेना निश्चित। मैं सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि सिनेमा हॉल वाले इस फिल्म को चलाने से बचें। अगर ये फिल्म चलाई जाएगी तो हम तालाबंदी करेंगे सिनेमा हॉलों में।